CSS और PMS के लिए स्पेशली जवाद कोचिंग एकेडमी। तो आज हमारा सेमिनार है, एडिशनल कमिश्नर हैं और असिस्टेंट कमिश्नर मेहमान खसूसी हैं, सवाल किए और उनको उनके आंसर्स मिले। खुद CSS एस्पायरेंट हूँ, मैं खुद CSS करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फरवा एंड आई एम टॉकिंग फ्राम जवाद कोचिंग एकेडमी। ये जवाद कोचिंग एकेडमी ये थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया है CSS और PMS के लिए स्पेशली, लेकिन ज़ाहिरी बात है हमारे पास प्लेटफॉर्म है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो CSS और PMS के अलावा यहाँ पे मैट्रिक, FSC और जो कंप्यूटर कोर्सेज जैसे कि फ्रीलांसिंग, वेब डिज़ाइनिंग, DIT वगैरह ये भी करवाते हैं हम। तो आज हमारा सेमिनार है CSS और PMS का, तो उसमें हमारे मेहमान खसूसी हैं, एडिशनल कमिश्नर हैं और असिस्टेंट कमिश्नर मेहमान खसूसी हैं, और बच्चों ने मुझे लगता है काफ़ी कुछ सीखा होगा, उन्होंने बहुत सारे सवाल किए और उनको उनके आंसर्स मिले। सेमिनार हमने कंडक्ट करवाया है, इसका मेन मोटिव ये है कि DA खान के लोगों को पता चले कि ये इनिशिएटिव दिया जा रहा है CSS और PMS की, इंशाल्लाह क्लासेस हम स्टार्ट करवा रहे हैं, तो उसका मकसद यही है, क्योंकि मैं खुद CSS एस्पायरेंट हूँ, मैं खुद CSS करना चाहती हूँ, तो हमारे लिए बाहर जाना इतना इजी नहीं होता, और बंदा अगर बाहर जाएगा तो मतलब कितना टाइम बंदा बाहर गुजारेगा। तो यहाँ रह के मतलब अपने घर में जैसे आपको एक फैसिलिटी मिल जाती है, तो मैं अपने लिए भी और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी जो डेरा इस्माइल खान के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मतलब CSS और PMS के लिए स्पेशली ये इस तरह की फैसिलिटी बनाना चाहती थी कि वो मतलब फैसिलिटेट हों, यहाँ आएँ और पढ़ें। पहले तो मेरी कोशिश है कि स्टूडेंट्स के लिए जो फैकल्टी हम अरेंज कर रहे हैं ना, तो वो मैंने मतलब चुन चुन के लोग लिए हैं, ये जो सेमिनार पे हमारे आए हैं मतलब कुछ प्रोफेसर्स हैं, तो मतलब ये हमारी फैकल्टी होगी, यही लोग पढ़ाएंगे भी सही। तो मेरे ख़्याल में CSS और PMS एग्ज़ाम देने के लिए मतलब बेहतर वही होगा कि आपको कोई कमिश्नर ही जो इस प्रोसेस के थ्रू, एग्ज़ाम के थ्रू एक दफ़ा हो चुका हो, गुजर चुका हो और पास कर चुका हो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं इंशाल्लाह इस तरह की फैकल्टी जो है मैंने अरेंज की हुई है, तो स्टूडेंट्स को इसलिए आना चाहिए जवाद कोचिंग एकेडमी।